हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हल्ला बोला है। इस बार कश्मीरी पंडितों 1984 के दंगे और देश के विभाजन को लेकर अनिल विज ने पूरी तरह कांग्रेस और कांग्रेस की कार्यप्रणाली को इसका दोषी ठहराया है। अनिल विज ने कहा कि अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा, धर्म के आधार पर देश को बांटा गया, लाखों लोगों की जान गई, लोग दंगों की भेंट चढ़ गए, इस सब के लिए कांग्रेस की कार्यप्रणाली ही दोषी है। अनिल विज यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। इतना ही नहीं, अभी और भी बहुत से रहस्य हैं जो जनता के सामने नहीं आए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, अपने ही देश में जो वो विस्थापित बने, अपने ही देश में जो वो रिफ्यूजी बने, जो उनके साथ अत्याचार हुए, उसके लिए कांग्रेस डॉक्ट्राइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अपने ही देश में जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में आतंकवादी समूह खड़े हुए, उसके लिए भी कांग्रेस जो डॉक्ट्राइन है वो रिस्पॉन्सिबल है। हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर जो कराया गया, उसके लिए भी कांग्रेस डॉक्ट्राइन रिस्पॉन्सिबल है, जिसके तहत लगभग 10 लाख लोग उस वक़्त मारे गए। 1984 में जो सिख दंगे हुए, उसमें भी जो लोग मारे गए, जो लोग दंगों की भेंट चढ़े, उसके लिए भी कांग्रेस की कार्यप्रणाली ही उसके लिए दोषी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है जी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी जनता के सामने नहीं आए। फिल्म में सर 370 लगने के बाद नेहरू की जो भूमिका दिखाई गई, उस पर क्या कहेंगे सर? फिल्म में जो भूमिका दिखाई गई है नेहरू जी की 370 लगने के बाद, उस पर क्या कहेंगे आप सर? उस पर नहीं, जब मैं कांग्रेस डॉक्ट्राइन कह रहा हूँ, उसमें सारे कांग्रेस के नेता आ गए, जो जो इन्होंने करा, 370 लगाई है, जो जो इन्होंने दर्जे दिए हैं, जो जो इन्होंने काम किए हैं, वो सब आ गए।